सो हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल टेक्नोलॉजी वेपन स्टडी विद गेम्स पे स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के बारे में, जो कि है एरिहेंट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक से। तो ये रहा हमारा चैप्टर और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पहले हम करेंगे, उसके बाद हम वेरी शॉर्ट शॉर्ट और लॉन्ग करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेड इनटू क्रिस्टल। तो हम मतलब कि कौन से किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्रिस्टल में चेंज कर सकते हैं। तो एक वायरस ही ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम क्रिस्टल में चेंज कर सकते हैं। वायरसेस आर कंसिडर एन इंटरमीडिएट बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग सेल्स बिकॉज दे कैन नॉट मेटाबोलाइज एंड रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन, क्योंकि ये अपने आप को मेटाबोलाइज नहीं कर सकते, अपने के दूसरे वन को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ सेल विल स्वेल अप इफ, मतलब कि इसमें हमें इससे पूछा गया है, कई बार पेपर में ऐसे भी आता है कि सूज कब जाता है, श्रिंक कब हो जाता है। तो ऐसा ऐसे तीन कारण होते हैं, क्योंकि हाइपोटोनिक, हाइपरटेंशन और आइसोटोनिक, ऐसे तीन कॉन्सेंट्रेशंस के बारे में आप पढ़ चुका होगा। तो ये देखिए ऑप्शंस में है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द सेल इज हायर देन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन सराउंडिंग मीडियम। तो ये इसका आंसर नहीं होगा, बी वाला इसका आंसर होगा, कि इसमें इसका रीज़न होगा क्योंकि द मतलब जो कॉन्सेंट्रेशन होता है मॉलिक्यूल्स का हमारे आसपास के मध्य से हायर देन वाटर मॉलिक्यूल्स की तरफ जाता है कॉन्सेंट्रेशन सेल्स में, इसीलिए। तो उस प्रोसेस को हम ओस्मोसिस भी कहते हैं, और एक ऐसा प्रोसेस है जो कि जिसमें मूवमेंट होता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का हायर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम लोअर सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, किसी एक परमीएबल मेम्ब्रेन से। परमीएबल मेम्ब्रेन एक ऐसा मेम्ब्रेन है जो कि एंट्री और एग्जिट अलाउ करता है हमें सेल के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हमें सभी के बारे में बता रखा है, हाइपोटोनिक कैसा होता है, हाइपरटोनिक कैसा होता है, और जो आप पहले देख चुके थे उसके बारे में बता रखा था। थर्ड देखिए, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ, इसमें क्रोमोसोम्स किससे बने होते हैं, डीएनए और प्रोटीन से। तो एक ऐसी भी हेल्प बुक मिलती है आपको हर साल सपोर्ट मटेरियल के नाम से, जिसमें इसके बारे में पूरा आपको शॉर्टली ब्रीफ में बताया गया होता है, और कभी कभी उसमें कुछ चीज़ें ऐसी नहीं होती हैं जो कि इसमें होती हैं। तो इसका आंसर है डीएनए और प्रोटीन। तो ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, और जो कि विजिबल होता है जब सेल डिवीजन होता है बस, और क्रोमोसोम्स को टू कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देता है। तो ये आप देख सकते हैं कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कैसा है और क्रोमोसोम्स में कैसे पार्शियली डिवाइड कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ दिस ऑप्शंस आर नॉट अ फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स के इसमें से कौन से फंक्शंस नहीं है। राइबोसोम होता है क्या, इसमें हमें हेल्प करता है मैन्युफैक्चर ऑफ हार्मोन्स में और मैन्युफैक्चर ऑफ स्टार्च मॉलिक्यूल्स में, वो हमें हेल्प नहीं करता है मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन्स में और एंजाइम्स में। तो जो फर्स्ट दो ऑप्शन हैं वो गलत हैं, और थर्ड फोर्थ वाला जो है वो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ऐसा कौन सा है प्रॉपर्टीज़ जो कि रिलेट नहीं करती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो इसका सी वाला होगा, क्योंकि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो ट्रांसपोर्ट चैनल के नाम से भी जाना जाता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में, और एक ट्रांसपोर्ट भी करता है कई सारी चीज़ों को साइटोप्लाज्म से, और ये एक साइट होता है बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ का सेल में। तो थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो हमारा गलत है,
मतलब कि इस क्वेश्चन के मुकाबले, और इसका आंसर ही सी वाला है। तो ये देख सकते हैं डायग्राम, पेपर में ज़्यादातर डायग्राम भी इसलिए आते हैं क्योंकि बच्चों को माइंड को वो देखना चाहते हैं कि उन्होंने कितना माइंड मैपिंग करके लर्न किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉलोइंग आर अ फ्यू डेफिनेशंस ऑफ ऑस्मोसिस, रीड केयरफुली एंड सिलेक्ट द करेक्ट डेफिनेशन। तो डेफिनेशंस तो आप पढ़ ही चुके होंगे, तो फर्स्ट वाली डेफिनेशन जो है ए वाला, वो हमारा सही है क्योंकि जो ऑस्मोसिस होता है उसमें मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से एक रीजन में जाते हैं लोअर कॉन्सेंट्रेशन के थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसका आंसर ये है, और इसको ब्रीफ में भी बताया रखा है कि एक ऐसा पैसेज होता है कि जिसमें हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन जो होता है उसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ज़रिए होता है। प्लाज्मोलाइसिस इन अ प्लांट इज डिफाइंड एज, प्लाज्मोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट जो होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं हाइपोटोनिक मीडियम में। तो हमारा बी वाला आंसर जो है वो सही है। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको और ब्रीफली पढ़ें तो आप इस वीडियो को पॉज करके और इसके बारे में जो भी यहाँ से यहाँ तक है वो आप पढ़ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कवर्ड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन, तो सिंगल मेम्ब्रेन से कौन कवर होता है, ऐसा कौन सा जो है ऑर्गेनेल वो कवर रहता है। तो लाइजोसोम है, लाइजोसोम एक ऐसा सिंपल और टिनी स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि डिस्ट्रीब्यूट होता है साइटोप्लाज्म में, और ये सुसाइडल बैग्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड आउट द फॉल्स सेंटेंसेस, तो जो फॉल्स सेंटेंसेस इसमें क्या गलत वाक्य हैं जिसकी हमें पहचान करनी है। पेपर में ऐसे टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि जो बच्चों को देखना चाहते हैं कि बच्चों ने कितना चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो इसमें से कौन सा गलत है, साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म, ये जो है वो गलत है। और तो यही आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंसेस, तो करेक्ट सेंटेंसेस इसमें से कौन सा है, एंजाइम पैक्टिन लाइसोसोम आर मेड थ्रू आरईआर, तो ये वाला सेंटेंस जो है वो हमारा सही है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। विच सेल ऑर्गेनेल्स प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स इन अ सेल, तो एक क्रूशियल रोल कौन सा सेल ऑर्गेनेल जो है वो मतलब कि प्ले करता है, तो हमारा हो जाएगा सी वाला, डिटॉक्सिफाई करता है मतलब कि नष्ट करता है पॉइजन और ड्रग्स को हमारे सेल्स में से। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एसेंशियल फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन आर मैन्युफैक्चर्ड बाय, तो इसका आंसर होगा ए वाला, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो परफॉर्म करता है जिसमें कि प्रोटीन और लिपिड जो होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं। नेक्स्ट देखिए, द अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रोकैरियोट्स आर आल्सो नोन एज न्यूक्लियोइड, तो जो अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन होते हैं प्रोकैरियोट्स के वो न्यूक्लियोइड के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट, द सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर आर, तो ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल होता है जो कि इन्वॉल्व होता है इस प्रोसेस में कि कॉम्प्लेक्स शुगर को वो सिंपल शुगर से फॉर्म करता है, तो इसका आंसर होगा गॉल्गी अपैरेटस। तो गॉल्गी अपैरेटस कैमिलो गॉल्गी ने सबसे पहले इसकी खोज की थी, और ये ऐसा फॉर्म्ड हुआ था फ्लैटेंड टाइप में होता है मेम्ब्रेन से कनेक्टेड, और इसको हम सिस्टर्निया भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वैक्यूल, तो वैक्यूल का कौन सा फंक्शन नहीं होता, तो वैक्यूल का जो फंक्शन नहीं होता है वो वैक्यूल जो हमें स्टोरेज देता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है,
और वेस्ट एक्सिक्यूशन में भी हेल्प करता है। प्रोवाइडिंग रिजिडिटी और टर्जिडिटी में वो हमें हेल्प नहीं करते, तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। नेक्स्ट, अमीबा अक्वायर्स इट्स फूड थ्रू अ प्रोसेस टर्म्ड एज, तो इसका उस प्रोसेस का नाम क्या है जिसके द्वारा अमीबा जो है वो अपना खाना तैयार करता है या फिर खाता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मान लीजिए ये अमीबा है, तो यहाँ पे उसका फूड रखा हुआ, तो ये फॉस्फेट टाइप शेप बनाता है अपने फूड को खाने के लिए, और जब वो खा जाता है तो वो धीरे धीरे डाइजेस्ट हो जाता है। द सेल वॉल ऑफ विच ऑफ दिस इज नॉट मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, तो सेल वॉल जो होता है इसमें से किसका जो सेल्यूलोज से नहीं बना होता है, तो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो सेल्यूलोज से नहीं बना होता है। हाइड्रिला, मैंगो ट्री और लैक्टस सभी का सेल्यूलोज से ही बना रहता है। नेक्स्ट देखिए, सिल्वर मेम्ब्रेन सॉल्यूशन इज यूज्ड टू स्टडी अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया जो ऑर्गेनेल होता है उसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल्स भी बोलते हैं, और कैमिलो गोल्गी जो थे उन्होंने डिस्कवर किया था रिवॉल्यूशनरी मेथड ऑफ स्टेनिंग इंडिविजुअल सेल्स के द्वारा इसको डिस्कवर किया था। नेक्स्ट देखते हैं, ऑर्गेनेल अदर देन न्यूक्लियस कंटेनिंग डीएनए, तो जो दूसरे ऑर्गेनेल होते हैं जिनके पास डीएनए होता है उनका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। तो मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है जो कि सिंथेसाइज करता है अपना खुद का प्रोटीन। किचन ऑफ द सेल किसे कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट को, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि हमें खाना बनाने में हेल्प करता है, और मतलब कि जो ग्रीन पिगमेंट होता है और वो प्रेजेंट होता है किसी भी लीफ में तो उसको क्लोरोफिल कहते हैं, और उसी के अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। लिपिड मॉलिक्यूल्स इन द सेल्स आर सिंथेसाइज्ड बाय, तो लिपिड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सेल में वो सिंथेसाइज होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। क्वेश्चन नंबर 22 है, सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल वाज स्टेटेड बाय, तो जो सेल अराइजेस होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल के मतलब होते हैं, तो ये बात किसने बताई थी हमें, तो ये बात बताई थी विर्चौ ने। विर्चौ एक साइंटिस्ट का नाम है जो मतलब कि जो इन 1938 श्लेडियन ने प्रपोज आइडिया किया था, एक एक्सप्रेस किया था अपना आइडिया, प्लांट्स के पास जो होते हैं वो सेल्स होते हैं, तो उसके अगले मतलब कि उससे पहले जो था शचवन इंडिपेंडेंटली मतलब कि उसने भी इसके बारे में एक चीज़ बता रखी थी कि एनिमल्स और प्लांट्स जो बने होते हैं वो जॉइनिंग फाइंडिंग फॉर्म में होते हैं बेसिस सेल थ्योरी पे जो बेस करती है। सेल थ्योरी वाज गिवन बाय, तो सेल थ्योरी जो थी वो किसके द्वारा दी गई थी, तो सेल थ्योरी जो थी श्लेडियन और सचवन द्वारा दी गई थी, मतलब कि उन्होंने दी थी। नेक्स्ट देखिए, द ओनली सेल ऑर्गेनेल सीन इन प्रोकैरियोटिक सेल, जो राइबोसोम्स होते हैं वही सिर्फ सेल ऑर्गेनेल्स जो प्रेजेंट होते हैं वही देखे जाते हैं। ऑर्गेनेल विदाउट अ सेल मेम्ब्रेन इज, जो ऑर्गेनेल होता है विदाउट अ सेल मेम्ब्रेन होता है वो उसका नाम है राइबोसोम, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियस के पास सराउंडेड में होता है जो कि टू मेम्ब्रेन फॉर्म करते हैं और न्यूक्लियर एनवेलप के टाइप में बनाते हैं। वन यू एम इज इक्वल टू, जो वन यू एम होता है वो किसके इक्वल होता है, वन यू एम होता है टेन टू द पावर माइनस सिक्स मीटर के इक्वल होता है। लाइजोसोम्स अराइजेस फ्रॉम, लाइजोसोम्स कहाँ से फॉर्म होते हैं, तो वो गोल्गी अपैरेटस से फॉर्म होते हैं। लिविंग सेल्स वर डिस्कवर्ड बाय, लिविंग सेल्स को किसने डिस्कवर किया था, लियो वन हुक ने। सेलेक्ट द ऑड वन आउट, तो इसमें से कौन सा जो है वो अलग है उसको हमें सिलेक्ट करना है। तो द मूवमेंट ऑफ
water across the semi permeable membrane is affected by amount of substances dissolved in it. तो ये वाला भी अलग नहीं है और उसके अगले भी दो अलग नहीं है, क्योंकि ये एक ही टॉपिक को के बारे में बता रहे हैं. तो लास्ट वाला जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बता रहे हैं, जो कि थोड़ा अलग है. तो उसका हमारा आंसर होगा डी वाला. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो ब्रीफली इसे पढ़ सकते हैं. तो अब शॉर्ट टाइप आंसर पे आते हैं हम. वाई आर लाइजोसोम्स नोन एज सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल. तो लाइजोसोम्स जो होते हैं वो सुसाइडल बैग ऑफ द सेल के बारे नाम से क्यों जाने जाते हैं? तो जब खाने का ब्रेकडाउन होता है सेल स्ट्रक्चर में, तो जो सेल होते हैं कई कई डैमेज हो जाते हैं, और लाइजोसोम्स होते हैं वो उसे ब्रेक और एंजाइम्स के कैपेबल बनाते हैं ताकि वो डाइजेस्ट कर सके. और फिर अगर थोड़ी ख़राबी वो ऑब्टेन कर रहे हैं डैमेज सेल, तो वो उसी को डाइजेस्ट कर जाते हैं और मतलब ब्लास्ट हो जाते हैं. नेक्स्ट, डू यू अग्री डैट ए सेल इज़ अ बिल्डिंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म? इफ़ यस, एक्सप्लेन बाय. तो क्या आप मानते हैं जो एक सेल होता है वही मतलब कि हमारे बिल्डिंग यूनिट करता है? जैसे कि एक सेल मिलके हमारी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर बनती है. एक एग्जांपल मान सकते हैं अमीबा का. अमीबा जो होता है वो यूनिसेल्युलर होता है, जो कि सारे फंक्शन एक ही सेल से करता है. मगर हम जो होते हैं इंसान, तो वो अपने अलग अलग फंक्शंस खुद से करते हैं. जानवर भी होते हैं वो भी खुद से करते हैं. तो मगर अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को ऐसा मतलब कि सेल बनाता है. तो अगर ऐसा होता है तो एक्सप्लेन करते हैं ऐसा क्यों होता है. तो ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि सेल जो होता है वो वेरियस मतलब परफॉर्म करता है वेरियस फंक्शंस. जो सेल होता है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है हमारी बॉडी का, जो कि वेरीफाई करता है हमारी ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म बॉडी को. और एक अमीबा जो होता है वो सिंगल सेल होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया. और ऑन द कॉन्ट्रेरी अ ह्यूमन इज़ मल्टी सेलुलर, जैसा कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. तो मल्टी सेलुलर में जो होते हैं वो टिश्यू फॉर्म होते हैं. सेल्स जो होते हैं वो जैसे कि मल्टी सेलुलर है ह्यूमन जो होते हैं सेल से बने होते हैं, और सेल जो होते हैं अलग अलग वो टिश्यू से बने होते हैं, जो कि अलग अलग वर्क करते हैं. नेक्स्ट देखिए, वाई डज द स्किन ऑफ योर फिंगर श्रिंक व्हेन यू वॉश क्लोथ्स फॉर अ लॉन्ग टाइम? तो जो हमारे फिंगर होते हैं, जैसा कि आपने नोटिस किया होगा अपनी मदर का, किसी का भी, जो भी कपड़े धोते हैं, तो उनके ज़्यादा देर तक कपड़े धोने से ऐसा क्यों होता है कि उनके जो हाथ होते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सोप सॉल्यूशन जो होता है वो हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन होता है और मोर कॉन्सेंट्रेटेड होता है हमारे स्किन सेल से, जिस वजह से वो इमर्स्ड होते ही श्रिंक होने स्टार्ट कर दें. जैसा कि आपने ये भी नोटिस किया होगा, अगर हम ज़्यादा देर तक पानी में मतलब कि रहते हैं नहाते हैं, तो वो भी हमारा श्रिंक मतलब कि हमारी बॉडी भी श्रिंक करने लगती है. Why is endocytosis found in animals only? जो endocytosis होता है वो सिर्फ organisms मतलब कि animals में ही क्यों पाया जाता है? क्योंकि ये refers करता है aggregation of a small region of plasma membrane forming an intercellular membrane bound vessel. क्योंकि ये aggregate करता है small region of plasma membrane को, जो कि form करता है intercellular membrane bound vesicle टाइप में. और दूसरी बात ये कि इसमें हम देखते हैं कि मैनी मतलब कई तरीके के एनिमल सेल जो होते हैं, जहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन डायरेक्ट कांटेक्ट होता है विद एक्सटर्नल मीडियम के साथ. तो एंडोसाइटोसिस जो होता है वो नॉट शोन बाय प्लांट्स होता है, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं उनके पास रिजिड सेल वॉल होता है, रिजिडिटी ज़्यादा होती है, जिस वजह से वो शो नहीं करते. और इस प्रोसेस यही रीज़न है कि ये प्रोसेस सिर्फ
एनिमल्स में ही पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। अ पर्सन टेक्स कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट आफ्टर सम टाइम ही स्टार्टेड वॉमिटिंग। तो उसने कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन पी लिया और उसके थोड़ी देर बाद ही एक उसने वॉमिटिंग करना स्टार्ट कर दिया। वट इज़ द फिनोमिनन रिस्पॉन्सिबल फॉर सच सिचुएशन। तो ये किस फिनोमिनन इसमें जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इस सिचुएशन के लिए। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो होता है वो हमें बॉडी के अंदर जाते एक्सोस्मोसिस प्रोड्यूस करने लगता है, कॉज करता है, जो कि एक्सोस्मोसिस होता है वो आउटवर्ड मूवमेंट होता है वाटर का हमारी बॉडी से, जो कि इरिटेट करता है और हम इसमें वॉमिटिंग कर देते हैं। तो ये थी हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।